I can only say that I'm very, very touched. I'm very proud. I'm very moved seeing her go through whatever she has, and I hope that her experience will be a learning and inspiration for many, many people. Thank you. Thanks, Deepthi. Zilha is next. Zilha. बोलना ज़्यादा नहीं आता लेकिन दो लाइनें सुना देते हैं क्योंकि मनीषा और हमारी दोस्ती इसी वजह से है I'm so happy to be here today to be a part of this noble cause And I've seen my mom go through this, so even more, I'm happy to be a part of this. And क्या कह रही थी आप मैं कह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप आई थैंक यू सो मच मैम माय प्लेजर कुछ और कहिए मैं खुद बात नहीं कर सकती हूँ कोई मुझे कुछ सवाल पूछेगा तो उसका मैं जवाब दूंगी आई डोंट नो सी नाउ यू नो व्हाट इट इज टू बी पुट इन अ स्पॉट आ जाओ बेटा नो दिस इज नमस्कार All my friends, all my lovely, lovely people in front of me, and she's one special person in my life. I've not been able to feature in her life as much as I would like to, but she, by default, has always featured in my life. I just want to say that from the very first moment I set my eyes on you, she just threw caution to the wind and she just glided through life and then life hit her right and now she continues to do the exact same thing which is a huge 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 lesson for me so thank you Manisha for teaching me that lesson itni choti si umar mein aapne mujhe itna bada sabak sikhaya look at that glow see that smile that says it all okay ek aur sawal puch lijiyega Thank you, ma'am, for coming. Really, it matters. It means the world to me that you've come. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless you. Namaskar. We're now going to officially release the book. So can I request all our friends who've spoken to please, I can't ask you to come up on stage. It's too little and she has too many friends. So maybe come here and we'll release the book. Neelam, can we also have you join us on stage, please? Also Farha Jamal and
रेखा मैम, हमारी संजय की सर मैम जब मैं मनीषा जी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतने मतलब लम्हे याद आते हैं जब मैंने पहली बार बॉम्बे देखी थी या दिल से या 1942 लव स्टोरी मेरे पिताजी एक लड़की को देखा बहुत गाते थे उन्हें वो गाना बहुत पसंद था एंड ही यूज़ टू लव मनीषा कोइराला एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली लव्ड हर तो जब मैं पहली बार मुंबई आई और फिल्मों में मैंने काम करना शुरू किया था मेरा एक्चुअली एक ही विश था कि एक फिल्म में मैं मनीषा जी के साथ काम कर पाऊँ और फाइनली इतने साल बाद उनके साथ संजू में काम करने का मौका मिला इवन दो वी डेंट हैव अ शूट टुगेदर जस्ट बींग इन द सेम फिल्म सो दैट वी हैड इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्रमोशंस एंड ऑल वाज जस्ट वंडरफुल मैं यही कह सकती हूँ कि एज अ फैन एंड एज एन आर्टिस्ट इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल टू विटनेस हर जर्नी और उन्होंने जिस तरह से जितनी ऑनेस्टी से अपनी जर्नी का प्रदर्शन इस किताब के द्वारा दिया है सबको और सबसे ज़्यादा आई थिंक जब लोग कैंसर के बारे में सोचते हैं उनके मन में जो डर या खौफ पैदा होता है वो शायद एक प्रकार से ये किताब पढ़ने के बाद वो शायद खौफ कम हो जाए डर कम हो जाए क्योंकि उन्होंने इतनी सरलता से इतनी खूबसूरती से अपनी जर्नी का बयान किया है और उनके ट्रीटमेंट का भी बयान किया है और शी इज़ एक्चुअली स्पोकन अबाउट हाउ कैंसर मेड हर अ बेटर पर्सन अ हेल्दियर पर्सन अ मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन सो शी इज़ एक्चुअली ट्रीटेड दिस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एज अ गिफ्ट एंड शी स्पोकन अबाउट इट दैट वे एंड आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड मुझे लगता है कि ये किताब से लोगों को प्रेरणा मिलेगी इंस्पिरेशन मिलेगी लेकिन सबसे ज़्यादा आई थिंक उनके जो फैंस हैं उनके जो यू नो वेलविशर्स हैं उनके मन में इनके लिए और भी प्यार जागेगा okay,
क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अभी भी गुजर रहे हैं कैंसर से? मैंने कैंसर को बहुत करीबी से देखा है. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और दुनिया में ऐसा समय है कि आपके जान पहचान में एक तो इंसान होता ही है जिसे आप कैंसर से जूझते हुए देखते हैं. बहुत कहानियां दर्दनाक होती हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट एंड्स से मीट होती है. लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो और बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली लोगों को समझ में आ रहा है कि कैंसर नाम सुन के एक मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील पॉजिटिव एंड ट्रीट द इलनेस विद दैट स्ट्रेंथ इट नीड्स. क्योंकि अगर आप नाम बीमारी का नाम सुन के ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली बीमारी से हार सकते हैं. अगर बीमारी को हराना है तो उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा. बट आई थिंक द बिगेस्ट लेसन इन दिस इज़ कि आई थिंक हम सबको इस बात की समझ और ज़्यादा आती जा रही है कि लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि जिस तरह का हवा हम सांस ले रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जो एक डेली डिसिप्लिन रखना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमने शायद एक तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, वो और लोगों के समझ में आ रही है कि अगर कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रखना है तो ये सब हमको करना ही होगा. आज भी बॉलीवुड से शॉक न्यूज़ आई, राकेश कैंसर है, बिल्कुल. आई मीन हेल्थ के लिए तो प्रे ही कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी की भी बारे में सुनते हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज प्रेयर्स एंड गुड विशेज. तो राकेश जी के लिए मेरी ओर से गुड विशेज हैं, प्रेयर्स हैं. वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. लेकिन आई थिंक सबसे अच्छी बात जब कोई जो पब्लिक पर्सनालिटी जब कभी किसी डिजीज़ को, किसी इलनेस को ओवरकम करता है, तो आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर आते हैं. क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि it's important to get good news also. It really encourages more people. इसके अलावा आई थिंक ये कोई भी डिबेट इम्पॉर्टेंट होता है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिबेट बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक दिस डू गिव रूम फॉर डिबेट. आई गेस दे आर मेड टू क्रिएट अ कॉन्वर्जेशन एंड डिबेट. मैं आई रियली बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच. मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी फिल्म, कोई भी वो फिल्म हो, आई थिंक एक फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से फिल्म को रिलीज़ करना और फिल्म का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है. चाहे उसका जो भी माइंडसेट हो, वो जो भी रिप्रेजेंट करता हो, आई थिंक एज अ मैच्योर सोसाइटी हम सब में ये क्षमता है कि हम खुद एज एन ऑडियंस ये डिटर्मिन कर पाए कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है. तो मैं जब भी किसी भी फिल्म के साथ कोई रुकावट आती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ और इस फिल्म के लिए भी मैं यही कहूँगी कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है. एक हमारा सर्टिफिकेशन बोर्ड है जिन्होंने हम श्योर फिल्म देखी है और वो उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन भी मिली होगी. तो एवरी फिल्म शुड गेट इट्स ड्यू अपॉर्चुनिटी टू रीच द ऑडियंस एंड इट्स अप टू द ऑडियंस टू डिटर्मिन वेदर अ फिल्म इज़ वर्दी ऑफ देयर व्यूइंग, गुड, बैड, अगली, वट एवर. देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जब भी कोई कुछ कहता है ना तो बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस इमर्ज होती हैं और मुझे एक्चुअली उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है. क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एवरीबडी द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे हैव टू एंड फॉर एवरीबडी एल्स टू आल्सो हैव द एबिलिटी टू लिसन टू व्हाट समबडी इज सेइंग. फिर वो आप आइडिया एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर है. और किस तरह से हम किसी आइडिया को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारी सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट होता है और हम किस तरह का समाज है उस पर रिफ्लेक्ट करता है.
तो मेरे हिसाब से अगर नसीरुद्दीन शाह जी ने कुछ कहा है, कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना, कोई ऐसे खाली कोई ऐसे कमेंट या कोई ऐसी बात कभी नहीं करेगा अनलेस उनके जहन में, वो इतने मैच्योर आर्टिस्ट है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, मुल्क देखा है, वो जानते हैं क्या हो रहा है, और उन्हें उनके अगर अंदर उनके भीतर कोई अगर ख्याल बना हो और उन्होंने वो ख्याल जाहिर किया है तो वो उनके मन की बात है। आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका वो जो इवेंट वो जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे कि मैं कह रही थी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको मौका मिलना चाहिए अपने ख्यालों का जाहिर करना, अपने बातों का प्रस्ताव रखना, लोगों के सामने अपनी सोच बतलाना। थैंक यू। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो मित्र लोग हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे इतना उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और सपोर्ट दिया मेरे बुक लॉन्च में आके और सारी अच्छी अच्छी बातें बोल के तो मैं उनको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। किस तरीके से देखते हैं आप ये सारी जर्नी को, कितना कुछ हुआ, कितना बदलाव आया, अभी सब अब क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये एक गिफ्ट था मेरे लिए, और जब भी कोई मुश्किलें आती हैं हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुश्किलें आती हैं हमको कुछ सिखाने, कुछ बहुत ही अच्छा कुछ गिफ्ट दे के जाती हैं, और मेरे हिसाब से एक मुझे तो कैंसर आया और झंझोड़ दिया, लेकिन उसके अब मैं वापस मुड़ के जब देखती हूँ तो इतना कुछ दिया मुझे, एक नया अंदाज जीवन को देखने का दिया, एक नया हौसला दिया, और मुझे पूरी तरह से आई फील कि मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन जो होती है कितना महत्वपूर्ण है और जो अपना हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है, तो ये सब का मुझे यू नो अवेयरनेस हुआ। यस इंडीड इट वाज, बिकॉज टू बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग इन डिटेल, टू बी एबल टू यू नो जस्ट रीविजिट एंड स्टे विद दैट एंड ईच एंड एवरी डिटेल, इट वाज रियली पेनफुल। और मैं तो बहुत बार किताब को बंद कर चुकी थी, मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी किताब, मुझे लग रहा था कि मैं लिख नहीं पाऊँगी किताब, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू दिस वाज अ बैड आइडिया एंड आई शुड नॉट अटेम्प्ट राइटिंग, सो मैंने किताब को काफ़ी बार बंद भी किया। व्हाट केप्ट यू गोइंग? आई गेस आई जस्ट वांटेड टू टेल द स्टोरी एंड आई वांटेड पीपल टू नो एंड आई वांटेड टू इनकरेज माई सेल्फ एज वेल एज अदर cancer patient who've been diagnosed, and that you know that hope, that thing kept me going. Plus I had a great support system with my publisher Gurveen, jo aaj you know she's so adorably she has been part of this whole process. Gurveen jo meri publisher hai, unhone bhi mujhe bahut wo diya, encouragement kiya. Iske liye Rakesh Shoshan, देखिए ये जो मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आई एम श्योर देर इज़ अ वे आउट, कि हौसला ना हारें, ये इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है आजकल, हालांकि बहुत डरावनी चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ अच्छा वो होता ही है, इलाज होता ही है, तो
I'm sure he'll come out winner, and I pray to God that he comes out winner. देखिए बॉलीवुड के तो हमको पता चलता है क्योंकि सब सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके बारे में पता चलता है. ये बहुत ही डरावनी चीज़ हमारी सोसाइटी में है जो कि काफ़ी हम लोग को बाहर के जितने भी होते हैं हमको पता नहीं चलता है. ये अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक मैंने पढ़ा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में होने वाले हर एक 3 व्यक्ति में एक को कैंसर होगा. तो मतलब कि इसीलिए हमको कैंसर के बारे में पूरा अर्ली चेकअप कराना चाहिए ताकि अगर डिटेक्ट अर्ली हो जाता है तो उसकी इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है. सो अर्ली डिटेक्शन, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ इफ़ योर बॉडी इज़ गिविंग एनी साइन एंड सिम्टम. तो डरिए मत, बट लेकिन डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा वो चेकअप करा लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये जो वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है और हमारे लेवल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, काम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, तो हम लोग बहुत भागते 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 हमको ये भी एहसास नहीं होता कि शरीर हमारा थक गया है और हमको शायद आराम की ज़रूरत है, हमको शायद ब्रेक की ज़रूरत है. ये एक साइन होता है एक ज़िंदगी को देने में कि भैया अभी तुम रुक जाओ, बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, रुक जाओ, अपने आप को देखो. लाइफ आफ्टर लाइफ, यही एक सीधा साधा जवाब है मेरा कि आज की सेलिब्रेशन यही डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि देर इज़ नो फुल स्टॉप टू लाइफ. और हम कभी कभार ये सोचते हैं कि द सी वर्ड मीन्स द एंड ऑफ योर नैरेटिव, मगर आज ये एक जीता जागता सबूत आपके बीच में है विच सेज दैट यू कैन ट्रांसेंड दैट कर्व वेयर यू आर स्ट्रक बाय दिस लाइटनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव कैंसर. तो आज हमारे बीच में एक सर्वाइवर है एंड इट शी जस्ट प्रूव्स दैट शी हैज़ द ऑडेसिटी ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी मस्ट सेलिब्रेट, दैट वी एज एंटरटेनर्स कैन शेयर दिस मैसेज विद द वर्ल्ड एट लार्ज. That today you can make people like Manisha examples to millions of people there who face gloom when they are told that they somebody of theirs or they themselves are afflicted by this dreaded disease. Manisha, do you have anything to say? I would like to say that when Manisha with saath Manisha ko jab ye discovery hui ke is bhayankar bimari se भयंकर बीमारी उनके साथ है, उस दिन से लेकर उसके उस पूरे प्रोसेस में, उसकी पूरी जर्नी में एक मित्र की तरह मैं आसपास था. वापस आने के बाद उसकी रिकवरी भी देखी और जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे एक किताब के फॉर्म में लिखकर
उन लोगों को हेल्प पहुंचाना चाहती हूं जो कि कैंसर से डरकर जिन्होंने जीना छोड़ दिया है, घबरा गए हैं कैंसर से, और उसको क्या कहते हैं कि हमने एज ए मित्र बहुत एनकरेज किया और बहुत खुशी की बात है कि आज वो किताब जिसमें उसने अपनी उस फाइट को, उस जर्नी को यू नो इस किताब में लिखा है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड आई एम with my dear, dear friend, and I'm extremely, extremely proud of Manisha Koirala for, you know, like, he, as the book says, healed, you know, that she healed, and she's an example to everybody. Gurishan ji, aise bahut sare log hain jo cancer se lad rahe hain, cancer se chal rahe hain. Sir, kya kehna chahenge sir, Manisha ji ke I see this book as a celebration of life, a celebration of hope, and a celebration of courage. And that is what this book symbolizes for me, and this is what Manisha today symbolizes for me. Cancer seems to have become the most popular disease world over. That's a way of saying you are not living right. So it's called a lifestyle disease. I think it is time that we discover that it is curable. सबसे पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा. बहुत हिम्मत चाहिए कैंसर जैसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, और जिस हिसाब से उन्होंने किया है वाकई तारीफ ही काबिल है. ऑल्सो शी इज़ प्रोवाइडेड टू बी अ इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, क्योंकि जो इस दौर से गुजरते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि कितनी तकलीफ होती है या किस प्रॉब्लम से भी वो गुजरते हैं, कितना पेन होता है या कितना घबराहट होती है. सो टू बी एबल टू गेट ओवर दैट, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट इज़ नीडेड. डॉक्टर्स, द बेस्ट डॉक्टर्स हैव टू ट्रीट यू फॉर इट. लेकिन जब अंदरूनी ताकत होती है, अंदरूनी हिम्मत होती है, तो कोई भी बीमारी को मात देना ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा टू बी दैट एग्जांपल फॉर पीपल अराउंड. जी, कि हिम्मत रखिए, हार मत मानिए, एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम. अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को, बहुत बहुत जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक साथ ये हुआ है. आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विथ लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल. आप क्या खाते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है. सो इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज, एंड आई थिंक होलिस्टिक लिविंग हेल्प्स. जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ताकत देती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं आज के दौर में जो नुकसान पहुंचाती है. तो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. आज मॉर्निंग में एक खबर आई, शॉकिंग खबर है, ये भी कैंसर का वो इलाज करा रहे जी. इवन आई वॉज वेरी शॉक. जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है. जब हम बचपन से या स्कूल टाइम में गुजरते थे, तब कैंसर जैसी बीमारी होती थी किसी और के साथ, या हम सुनते थे कि किसी और के साथ ये हुआ है. लेकिन अब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है. अर्ली दिस ईयर आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉट कैंसर ऑल्सो. सो आई नो हाउ मच प्रॉब्लम द फैमिली गोज थ्रू. बहुत हिम्मत चाहिए, और सिर्फ उस आदमी के साथ ही जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन फैमिली को बहुत सारी हिम्मत चाहिए, एक आसरा चाहिए और एक अंदरूनी ताकत चाहिए, ताकि वो जो कैंसर से गुजर रहा है उनको ताकत दे सके. थैंक यू सो मच.
मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, कुर्ता पंजाब को लेके देखिए सारी इंडस्ट्री हो गई, इतनी सेम इशू भी आ रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वापस केस हो गया इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, रेडी नहीं है, उसे ओपनली सपोर्ट किए थे सभी ने, इसमें क्या कहना है आपको, वापस आज भी पर हम फिलहाल यहीं पर मनीषा जी के लिए आए हैं, तो बात वहीं तक रखते हैं। नमस्कार, थैंक यू। मनीषा जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन्स, मैंने इनके साथ एक दो फिल्मों में काम किया और इनके साथ इनकी पहली फिल्म में भी मैंने काम किया सौदागर में, और मैं उससे बड़ा इनका एज एन एक्ट्रेस तो फ़ैन हूँ ही हूँ, मगर उससे बड़ा फ़ैन मैं उनका एज ए पर्सन हूँ, जो भी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ता है और जीतता है उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है, और उसमें मनीषा कोइराला अव्वल नंबर पर आती है। आई थिंक इट्स नॉट ओनली द कैंसर एंड हाउ शी सॉर्ट ऑफ फॉट विद इट, आपका एटीट्यूड डिसाइड होता है जब आप ऐसा कोई मुकाम आपकी ज़िंदगी पर आता है जिससे बाकी लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन आज जो है उनकी किताब का विमोचन है तो वो इस बात का एक सबसे एग्जाम्पल है कि हाउ यू डील विद योर लाइफ। अमेरिका में शो करता हूँ उसको, इट्स कॉल्ड आई स्टैंड अप फॉर कैंसर, माई ब्रदर इज़ अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर, एंड आई फील दैट मेडिकल केयर तो जैसी है वो तो लेंगे ही लेंगे, मगर उससे ज़्यादा है आई थिंक यू हैव टू लिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड मिस्टर महेश भट्ट इज़ लुकिंग एट मी एंड आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट टॉक व्हाइल ही इज़ एक्चुअली लुकिंग एट मी। बस क्या मैंने उसको आवाज़ दी, वैसे मेरी आवाज़ नहीं पहुंची तो मैं आ गया, नहीं मैंने पहुंच ली थी, मैं अवॉइड कर रहा था। बट साहब इट्स शॉकिंग, बट आई थिंक जिस तरह से ऋतिक ने इसके बारे में ट्वीट किया, इसके बारे में क्या, दैट मीन्स अभी सोनाली देखो, लाइफ इज गिवन टू यू विद वन कंडीशन दैट देयर इज डेथ, बट द वर्ड सी कैंसर जो एक लफ्ज था जिससे लोग भयभीत हो जाते थे और कांपने शुरू कर देते थे, उनको इस किताब से बहुत ही एक हिम्मत हासिल होगी, क्योंकि आज कहीं पर आपके बीच में एक ऐसी हीरोइन है जो एक मिसाल है कि यू कैन सर्वाइव कैंसर। इससे पहले सोनाली इन्यूमरेबल पीपल आर देयर, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बिकॉज लोग को हम ही ने अपनी फिल्मों के जरिए कहीं पर यह एहसास दिलाया कि कैंसर मींस एट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ का फुल स्टॉप ही नहीं होता है, देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, एंड आई थिंक टुडे वी सेलिब्रेट द रियल लाइफ हीरोइन मनीषा, एंड हियर इज द रियल लाइफ हीरो माय फ्रेंड अनुपम। क्या हुआ मैं निंदा करता हूं उस शख्स की जिन्होंने ऐसा एक केस दर्ज किया है, क्योंकि अगर आप एक आज़ाद सोच पर यकीन रखते हैं तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो उस नैरेटिव से जुड़ें जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर इसने उस नैरेटिव पे बेस्ड एक रोल प्ले किया है तो वो एक उसका एज एन इंडियन अधिकार है। अब इसका फैसला कोर्ट क्या करती है उसका आप इंतज़ार करें, मगर अगर आप फ्रीडम में यकीन रखते हैं तो आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। वी मस्ट गिव इवन द पीपल हुम यू डू नॉट एग्री विद द राइट टू स्पीक वॉट एवर दे फील, मगर सवाल यह है कि क्या अनुपम खेर मुझे वो अधिकार देंगे जब मैं उनके सोच के खिलाफ कोई आवाज़ उठाऊंगा। That is the evidence of जीता जागता उदाहरण है, भट साहब को पूरा हक है मेरी जिंदगी के किसी भी पहलू पर कुछ भी बोलते रहे, ऐसे कोई बात नहीं। धन्यवाद।
Hi sir, how are you? Good sir, good. रोल ओके सर, जिस तरीके से आज मनीषा जी की बुक लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मोटिवेशनल ये मोमेंट है आपके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बेस्ट थिंग अबाउट मनीषा इज दैट शी इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन वन एवर मीट्स एंड दैट लाइफ हैड इन स्टोर फॉर हर काइंड ऑफ अ ट्रेजिक इवेंट ऑफ इलनेस इज वेरी यस सर इज वेरी रेयर एंड स्ट्रेंज बट एट द सेम टाइम जिस तरह से उसने इसको फाइट किया है, रिकवर किया है, इट्स अ लिविंग इंस्पिरेशन फॉर मी और एंड फॉर एवरीबडी एंड द फैक्ट दैट इट हैज कम थ्रू इन टू अ बुक इज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय बिकॉज शी इज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू देन रिकॉर्ड दैट काइंड ऑफ हर एक्सपीरियंसेस आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल किताब है और मैं खुद भी इसको पढ़ना चाहता हूँ और रेकमेंड करूँगा कि हर आदमी जो सिर्फ बीमारी की ही नहीं बट लाइफ के बारे में पढ़ना चाहे वो ज़रूर इसको पढ़े। सर और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों जो लोग कैंसर से लड़ते हैं? देखिए क्या होता है कि बीमारियाँ जब आती हैं स्टार्टिंग में, जैसे पुराने ज़माने में टीबी या कोलेरा या टाइफॉइड ये सब जानलेवा बीमारियाँ होती थी जिसके कोई इलाज नहीं थे, कैंसर भी है। आजकल हम लोग सब अलग अलग तरह से उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ इसका रामबाण इलाज भी हो जाएगा। और एक बात और है कि किसी भी बीमारी में और ख़ास करके कैंसर में मैं समझता हूँ कि जो आयुर्वेदिक इलाज का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है जिसको डिस्कवर करना ज़रूरी होता है। मैं जाऊँ क्या? हाँ जिस तरीके राकेश रोशन जी का भी आज आया है, उनकी भी खबर आई है कि वो भी कैंसर से पीड़ित हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दुख की बात है यार किसी को भी अगर ये बात। बाय सर। बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है अगर पता चलता है कि किसी को कैंसर है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है मतलब। एंड मगर ठीक है, ज़िंदगी की ख़त्म नहीं होती उससे, मतलब आई थिंक वो एक नया चैप्टर होता है, जैसे मनीषा ने बताया एक नया चैप्टर होता है आपकी ज़िंदगी का, आप उसको डील कर सकते हो। तो ये कहना चाहूँगा क्या जीरो देखी नहीं मैंने अभी तक। थैंक यू सर। Because we're in a room full of industry stalwarts and people and family and friends that she's worked with over the years, I think I'd like all of you to say a few words about her. So can we start with Mahesh Bhatt, sir? Can you please go on stage? And thank you. Audacity. Audacity and more audacity. That's what this gorgeous child means to me. She proves that there is no full stop to life. We filmmakers are guilty of spreading that dread that if the C word is uttered on the silver screen, then doom is assured. But the world has changed.
there's a new narrative here which is being ushered by one of our gems, Manisha, in flesh and blood, that you can be afflicted by cancer and then you can swim through the dark night and come out sparkling, looking so gorgeous. Thank you, Bachcha. Thank you. I think this is a moment for all of us to celebrate this gift of life. It's indeed a privilege to be holding this very special child. She is a unique heartbeat of existence. It's a privilege to be here. Thank you. Thank you, Bachcha. Thank you so much. Gulshan, you're next. But sir, no, I remember it was a large film gathering. Mahesh Bhatt Saab's nephew was getting married. Every film star, every director, everybody was there, and walked in Manisha. But Saab held her hand, took her away, dumped everybody, left everybody. You know, I've had this problem of, when I enter, I must get Bhatt Saab's affection, attention, and everything. I tried to use, I said, Bhatt Saab, I says, there's nothing I want to learn or hear from you guys. There is life, there's things about life that I want to hear and know from Manisha. I had to catch up with her. That was his own nephew's wedding with every film person being there. It made such a tremendous impact on me. I've known Manisha, she's a dear friend of mine, dearest friend of mine. The very first day when she discovered that she has this horrible disease, and how she traveled and how she fought it and how she came back and had self-doubts of abilities, physical abilities, whether, you know, like having determination and having to fight your physical self are two very diverse things, two very difficult things, you know. So I'm very, very proud of you, Manisha. So happy. Thank you. Gone and sat down and will not be standing with me. It won't be as much fun as you guys. But I think I have nothing new to say except highlight what Bhatt Saab and Gulshan ji just mentioned about beauty. I think I'm not that unique person actually from India that was so crazy about the way you look, Manisha. And yeah, see, there are voices here. And so pretty that you remain so pretty that in itself is very inspirational. And sometimes we get a glimpse into the lives of those people that are indeed so beautiful. Surprised to see what we find there, and I think this book will be a revelation like that, which will give us hope, which will give us a feeling of strength that only somebody like you can provide, because great beauty comes with great responsibility. I thank you for the effort that you've made, and it's indeed a privilege being here. You know, when you have a lot of speakers speaking before you, then you decide, you think that you have to say intelligent things or much better things than the other people have said. But it's not about them. I personally believe that life is about courage. We all see ups and downs of our lives. It's what makes you special is how you deal with your downs rather than when you feel your ups. My brother is a cancer survivor. And for the last 13, 14 years, and he is the most courageous man in the world, because I remember that when he was being taken at this hospital for the operation, and he looked at me, and I was looking at him, and I did not know how to react to him. And on his stretcher bed, when he looked at me, and he did this to me. And I think that gesture can take away any triumph that I have ever achieved in my life. That one thumbs up gesture. And today I feel the same about you. You have not only healed your life, but I think you are going to heal a lot of people's lives through this book, through
through your journey. I was in your introductory film, Saudagar. You look much more beautiful than you were at that time. Because life has happened to you. That's why. At that time, it was just a beautiful face. Now it's a beautiful life. Thank you.